जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारियों की धरना पिछले 6 दिनों से जारी है और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। पिछले 44 दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हैं और आज भी धरना का 6 दिन है, धरना लगातार दे रहे हैं आप लोग जी, जी। और आज आप लोग के लिए बहुत स्पेशल दिन है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो साल भर में महिलाओं के लिए सचमुच स्पेशल डे है, लेकिन अभी बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग 44 दिन लगातार धरना पर बैठे थे, फिर भी सरकार हम लोग को आश्वासन बंधु तिर्कित के द्वारा मिला था कि आप लोग का 1 महीना में आप लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और आज हम लोग कहीं घूमने जाते, खुशियां मनाते, फिर भी हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग घर दरवाज़ा बाल बच्चे अपनी हंसी खुशी सभी छोड़ के महिला दिवस में यहाँ हम लोग दुखी मन से इस धरना पर बैठे हुए हैं। आप अपने घर पर बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, घर को पीछे छोड़ कर आ रहे हैं और आप धरना पर बैठे हैं, तो क्या क्या लगता है आपको कि मांग पूरी होगी? एक उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है, हम उम्मीद पे ही यहाँ बैठे हुए हैं कि शायद हमारे हेमंत सरकार हमारी बातों को समझे। आज महिला दिवस है, महिला दिवस के दिन सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है महिला सशक्तिकरण पे, और आज हम लोग महिला सशक्तिकरण के दिन हम लोग इस राजभवन के पास इस रास्ते पर बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या हम बताएं, क्या बोले, ये आप ही समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से कि आज महिलाओं के लिए इतना अच्छा दिन है, इतना बड़ा दिन है, लेकिन भी हम लोग इस रोड पे बैठे हुए हैं अपना घर परिवार सबको छोड़ के। बस सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो हम लोग पहले भी 44 दिन से रखे हुए थे, 44 दिन से हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे, तो हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आप लोग जो भी अनुबंध कर्मी हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के, स्वच्छ भारत मिशन के, आप लोग को यथावत रखा जाएगा। आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे सिर्फ इतनी हैं कि हम लोगों को फेज 2 में समायोजन कर दिया जाए, बस। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हुए हैं और पिछले 44 दिन भी बैठे हुए थे। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सभी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार में ही ऐसा हो रहा है कि हम लोग को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये समायोजन हमारे अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में भी किया दिया गया है, लेकिन ये झारखंड राज्य में हम लोग का समायोजन नहीं हो रहा है। और इसको बार बार हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि हम लोग को सही तरीके से हम लोग का समायोजन करें, हम लोग सही से काम करें। एक सम्मान जो हम लोगों को झारखंड सरकार, क्या केंद्र सरकार भी दे चुके हैं, बहुत सारे सम्मान के साथ हम लोगों ने बहुत सारा सम्मान दिया है झारखंड राज्य को, लेकिन उस सम्मान को हम लोग को छोड़ दिए और हम लोग को बेघर कर दिए, रोड पे ले आए हैं। जो सम्मान का हकदार हम लोग महिलाएं थे, वो हक को छोड़ दिए, हम लोग का अधिकार को छोड़ दिए और आज कहते कि दूसरे लोगों को रखेंगे, समायोजन करेंगे नहीं, फेज 2 में अदर किसी से काम कराएंगे लेकिन आप लोगों से नहीं। ऐसा साफ, हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग को फेज 2 में समायोजन किया जाए और हम लोग को जो हक था, अधिकार था, वो दिया जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलना, तो क्या उनके यहाँ जाते थे तो बार बार हम लोग को बोला जाता था, आश्वासन दिया जाता था कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और मिलके आपको, आप लोग को, आप लोग के मांग को पूरा करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे क्या? वो तो मिले ही नहीं। पहला माननीय बंधु तिर्की जी आ करके हम लोग को धरना पे टेलीफोनिक, पेयजल स्वच्छता मंत्री जी से टेलीफोनिक बात करवाएं और बोले कि आप लोग कोरोना काल में अगर किसी व्यक्ति का कुछ जीवन पे पड़ता है, मृत्यु होता है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि आप लोग धरना स्थल पे रहें और कोरोना से आप लोग का मृत्यु हो गया और आप लोग अभी जाइए, आप लोग को 1 महीने के अंदर सम्मानजनक स्थिति पे लाएंगे और आप लोग को, आप लोग का जो पद था उस पद पे रखेंगे, आप लोग का समायोजन करेंगे। 1 महीने बाद आप लोग गए वहाँ पे, उन लोगों से मिले हैं, उन लोग के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा या किसी भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला और हम लोगों को पूरे जिले में एक एक करके नया नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाला गया। पूर्व में भी हम लोग
यहाँ पे लगातार 44 दिनों तक उस ठंड में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग चलाए। हम लोगों का जो उचित मांग है उसको लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किए, और इतना प्रयास के बाद भी बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिला, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे माननीय विधायक बंधु तिर्की जी आए हुए थे, और उस समय विभागीय मंत्री को शायद कोविड पॉजिटिव थे वो, तो उनसे बाय टेलीफोनिक वार्ता भी हुई थी, जिसमें स्पीकर ऑन करके माननीय विधायक जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया था। विभागीय मंत्री जी का आवाज़ साफ आ रहा था, उनका कहना था कि जितने भी कर्मी हैं स्वच्छ भारत मिशन में उनको किसी भी हाल में हटाया नहीं जाएगा, उनका समायोजन होगा, समय चाहिए। और माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया था कि एक महीने के अंदर आप लोगों का जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, समायोजन के रास्ते पे हम लोग काम करेंगे, और आप लोगों को इस तरह से फिर रोड पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं आना होगा, आप लोग का रोजी रोटी चलते रहेगा। लेकिन एक महीने के बाद एक तरफ तो ऐसा आश्वासन दिया गया विभागीय मंत्री के द्वारा, माननीय विधायक के द्वारा, और दूसरी ओर विभागीय सचिव या विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके द्वारा सभी उपायुक्त और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पीछे से वैकेंसी निकालने का भी आदेश दे दिया गया, और ये भी कहा गया कि एक महीने के अंदर इस वैकेंसी को आप फुलफिल करिए और इसका प्रतिवेदन समर्पित करिए। तो एक तरफ सरकार समायोजन का वादा करती है और दूसरे तरफ अपने पदाधिकारियों से या पदाधिकारियों के मर्जी से वैकेंसी को भरने का काम करती है। तो एक तरफ समायोजन कर रही है और एक तरफ कहती है कि नहीं वैकेंसी भरिए, तब तो हम लोग ऑटोमेटिक उसमें से छट जाएंगे जब नए लोग आएंगे। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि माननीय मंत्री जी चला रहे हैं, विधायक जी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री चला रहे हैं, या फिर उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम करते हैं वो इस सरकार को चला रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि पूरे 27 राज्यों में सभी का समायोजन हो गया है, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नए कर्मियों को लाया जा रहा है। हम ही मेरे ही स्थान पे जो कार्य हम लोगों ने आज 10 साल से किया है, कार्य अनुभव हमको ज़्यादा है, वहाँ पे सरकार नए लोगों को ला करके क्या मंशा है ये तो सरकार ही बता सकती है। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन का वादा था कि अनुबंध कर्मियों का मेरा सरकार आएगा तो हम उनके लिए काम करेंगे, और एक और दुर्भाग्य की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम लोग क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं को सम्मान देने का कार्य करते हैं, सरकार भी बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको पर्व के रूप में मनाते हैं, और राज्यों ने महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है, लेकिन झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी हमारे राज्य में बहुत सारी महिला कर्मी है जिनको सम्मान तो दूर की बात है, ऐसा अपमान कि रोड पर बैठना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण है सरकार का, ये तो समझ से परे है, और घर चलना मुश्किल है, अब उनके मैंने उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। तो पता नहीं अब सरकार, हम लोग बैठे हुए हैं, अब यही चाहेंगे सरकार से कि हम लोगों को सम्मान देने का कार्य करे, हम लोगों का जो रोजी रोटी था, पेट जिस से चल रहा था, वो नौकरी लौटाने का काम करे, जिस प्रकार से छीनने में लगी हुई है ये कहीं से भी परे नहीं है, वो आपस की लड़ाई उन लोगों की हो सकती है फलाना गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट, लेकिन हम लोगों को इज्जत देने का काम करे, इसीलिए सरकार को हम ही लोगों ने चुन करके लाया था। तो हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को सम्मान देने का कार्य करे। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पहले से पूर्व में ही एक माह पहले 44 दिन का धरना कर रहे हैं, आज भी हम लोग 6 दिन बिता चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक हम लोगों से, सरकार के प्रतिनिधि मंडल कोई मिलने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। और तबर तो ऐसा आश्वासन मिला, कुछ साथी भी बताए, मैं और आपको जानकारी दे दूं कि ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये सरकार जब से आई है हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार हमारी है, ये हम शर्त के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी थी, ये जंगल जमीन की बात करती थी, और पहले की सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी पहले से आए हुए थे, हम लोग ने देखा कि तरह तरह के संविदा कर्मी अनुबंध कर्मी रोड पे बैठे रहते थे, हर जगह अपने आंदोलन करते थे। हमें लगा कि जो हमारे हेमंत भैया हैं जो हिम्मत वाली बात कर रहे हैं, सारे लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि जितने लोग सब ठगे जा चुके हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं, पारा शिक्षक जो थे उनके साथ कुछ न्याय हुआ है, हम चाहेंगे आज भी हमारे साथ आए, जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं आज हम लोग के साथ न्याय हो, हम यही मांग करते हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि हम लोग पहले से स्वच्छ भारत मिशन
फेज वन में काम कर रहे थे और फेज टू में दूसरे नए लोगों को वैकेंसी निकाल दिया जा रहा है। हम लोग लगभग 12 साल 15 साल 8 साल 6 साल पहले से अनुभवी लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं, उनको हटाते हुए दूसरे लोग को नया लोगों को लेना चाह रही है। हम चाह रहे हैं कि हम ही लोग को रखा जाए, हम लोग को सिर्फ समायोजन कर दिया जाए और कोई मुख्य मांगे हमारी नहीं है, सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारी, यही सरकार से मांग है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सरकार से इनकी क्या मांगे हैं और महिला सशक्तिकरण के दिन भी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।